नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। गाजीपुर के नंदगंज थाना इलाके में 25 अगस्त को हत्या मामले में स्वाट टीम व नंदगंज थाने की संयुक्त कार्रवाई में तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त शटरिंग का पटरा और एक बाइक भी बरामद किया गया है। इस बात का खुलासा पुलिस अधीक्षक रोहन पी वोत्री ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। इस दौरान एसपी ने बताया कि अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एसपी सिटी और शिओ बोड़कुड़ा के नेतृत्व में हत्या के मामले का सफल अनावरण किया गया है। वहीं उन्होंने बताया है कि 25 अगस्त की रात नंदगंज थाना इलाके के बरहेपुर के गांव में सत्यम नाम के युवक की हत्या की गई थी। मामले का खुलासा करने के लिए तीन टीमों का गठन किया गया था। मामले में तीन व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके अमन और दो नाबालिग हैं जिनका नाम लेना उचित नहीं है। गिरफ्तार किया गया पकड़े गए आरोपियों और मृतक के बीच किसी बात को लेकर अच्छे से झगड़ा हुआ करता था। फिलहाल हत्या के मामले में दो और लोगों का नाम आ रहा है, उन्हें भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, थाना नंदगंज में 25/8/2022 को एक मर्डर की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। सत्यम सिंह इस लड़के का नाम था जिसकी हत्या कर दी गई थी। इस पूरे प्रकरण में तीन टीमों का गठन करके लगाया गया था और तीन व्यक्तियों की कल गिरफ्तारी जो है पुलिस को करने में कामयाबी प्राप्त हुई है। एक व्यक्ति जिसका नाम अमन यादव है और दो बाल अपचारी है जिसका नाम यहाँ पे लेना उचित नहीं रहेगा। इन लोगों के बीच में जो है लगातार झगड़े चलते थे। दो गुट इनके बने हुए थे उसी गांव में थाना नंदगंज में और लगातार इनकी झगड़े वहां पे चलते थे। उसी झगड़े से रिलेटेड ये पूरा प्रकरण जो है वो हुआ था और एक व्यक्ति की इसमें हत्या हुई थी और इसमें दो व्यक्तियों की सूचना पुलिस को मिल रही है कि दो व्यक्ति अन्य थे इसमें, उनको भी गिरफ्तार किया गया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।